जय भीम नवबुद्धा। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं डाक टीवी। देखिए इस वक्त हम आरजेडी के कार्यालय के बगल में है। गेट नंबर दिखाइए, गेट नंबर दिखाइए, गेट नंबर 2 है, ठीक है, इधर दिखाइए। और एक अभी ताजा ताजा बैनर एक लगा है, ठीक है, देखिए बैनर में लिखा हुआ क्या, गरीबों की आवाज़ एवं दलितों वंचितों के मसीहा आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी स्वस्थ होकर भारत की धरती पर लौटने पर देश की 125 करोड़ जनता उनका हार्दिक अभिनंदन करती है। ईश्वर उन्हें स्वस्थ एवं दीर्घायु रखे। देखिए बैनर लगाने वाले हैं इधर, उनका नाम है नीरज राय, प्रधान महासचिव नगर निकाय प्रकोष्ठ राज्य बिहार। और हमारे साथ भाई अरुण हैं जिनसे हम बात करेंगे। इधर और हैं मनोज यादव, जिला पटना जिला उपाध्यक्ष युवा राजद। तो कब आ रहे हैं लालू जी? लालू जी आज रात्रि को 9 बजे तक बिहार में दिल्ली पहुंचेंगे। कहाँ से आ रहे हैं? वहाँ इलाज करवा करके सिंगापुर से आ रहे हैं। अच्छा, सिंगापुर से आ रहे हैं तो दिल्ली आएंगे? दिल्ली यहाँ नहीं, अभी कब आएंगे बिहार? कब? पटना अभी स्वास्थ्य कारण से उनको नहीं बुलाया गया है। अच्छा। वहाँ अभी थोड़ा जनता से दूर रखने की हुई है। लोग जाएंगे वहाँ बात करेंगे, लेकिन भीड़ से बचने की सलाह दी गई है डॉक्टर के द्वारा। तो इसलिए पटना आने पर तो आप जान ही रहे हैं कि लालू यादव का मतलब क्या होता है। भीड़ भाड़ पूरा। और लालू जी इस देश के 125 करोड़ आबादी के नेता हैं। नेता प्रधानमंत्री बहुत होता है, गृह मंत्री बहुत होता है, मंत्री बहुत होता है, लेकिन नेता गांधी जी हुए थे। गांधी जी के बाद लालू जी हुए हैं, गांधी जी के बाद कर्पूरी जी हुए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हुए, उसके बाद लालू जी हुए। तो नेता सब लोग नहीं होता है, नेता सदियों में होता है। और ये ऐसे नेता हैं कि इनको गरीबों दलितों पिछड़ों वर्ग के लोगों का मसीहा भगवान के रूप में देखते हैं लोग। और इसलिए कि ये उनका दुख दर्द, लालू यादव ही एक ऐसा नेता है कि गरीबों के नाक का नेता, बाल काटने का काम, नहवाने का काम लालू यादव करते थे। और उनके पढ़ाई के लिए चरवाहा विद्यालय तक खोलने का काम किए लालू यादव की, गरीब गुरबा लोग वो पढ़ सके। ओ गरीबों पढ़ना लिखना सीखो, भेड़ चराने वाले, सुअर चराने वाले, बकरी चराने वाले पढ़ना लिखना सीखो, ये लालू यादव का देन है। और आज जो स्थिति लालू जी ने जो आवाज़ दिया, जो शिक्षा का अधिकार बतलाया, उसके कारण आज दलितों पिछड़ों और अल्पसंख्यकों में अच्छे अच्छे पदों पर लोग जा रहे हैं और नौकरियां खोज रहे हैं और काम कर रहे हैं। और एक नई क्रांति लालू जी ने जो जन्म दिया, वो उसके कारण ही आज लोग भाजपा लंद फंद बतियाता है। भाजपा के नरेंद्र मोदी क्यों कहते हैं खड़ा होकर, हम अति पिछड़ा का बेटा है क्या? अति पिछड़ा को किसने जगाया? लालू कब आएंगे? लालू जी अभी 2-3 महीना नहीं आएंगे पटना। अब भारत की धरती पर आ गए तो हम लोग का उत्साह है कि कहीं भी कुछ होगा तो हम लोग दौड़ के दिल्ली जा सकते हैं। विदेश में थे तो हम लोग को चारा नहीं चलता था, सोच कर करके भी रह जाते थे कि जाना है साहब से भेंट करना है, तो नहीं कर सकते थे। लेकिन अब तो मान लिया कि ट्रेन में बैठेंगे, रात को बैठेंगे, सवेरे पहुँच जाएंगे, लालू भगवान का दर्शन करके चल आएंगे। ऐसे भी लालू जी हम लोग के दिलों में बसते हैं और हमेशा लालू जी का नाम लेकर करके, लालू जी से प्रेरणा लेकर करके ही हमारी राजनीति होती है। आज लालू जी दिल्ली आएंगे तो यहाँ से बिहार से कितने नेता जाएंगे उनसे मिलने के? जाएंगे, धीरे धीरे करके जाना है, सब एक साथ चल जाएंगे तो गड़बड़ होगा। अच्छा, मतलब एकाएक ही जाना है? हाँ, एकाएक ही जाना है। मिलेंगे लोगों से, मिल उल कर करके आएगा, जो 2 आदमी आया 2 आदमी जाएगा 2 आदमी आएगा। क्योंकि वो डॉक्टर ने कहा कि पूरा इतिहाद का मतलब मास्क उस लगा हुआ कर करके कहा कि बहुत नाजुक चीज़ है किडनी का, जो और किडनी जो दान दी है उनकी बेटी रोहिणी आचार्य को, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने गरीबों के मसीहा को बचाने का काम किया। रोहिणी आचार्य जी ने ट्वीट भी किया कि मैं अपने पापा को स्वस्थ करके आपके बीच भेज रही हूँ, उनका स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। मैं उनको रोहिणी आचार्य को स्वस्थ करके भेजने के लिए कोटि कोटि नमन, बहुत सारा धन्यवाद। जो कहिए मैं उनके लिए जब भी ज़रूरत होगा, जिस चीज़ के लिए हम खड़ा रहेंगे, राष्ट्रीय जनता दल के एक एक कार्यकर्ता रोहिणी आचार्य के लिए
खड़ा रहेगा और उनके प्रति कृतज्ञ है। क्या आ रहे हैं लालू जी, जाइएगा मिलने? बिल्कुल जाएंगे मिलने के लिए, क्योंकि अब भारत की धरती पे आ गए और हम बैनर के जरिए हम कैमरामैन को कहेंगे दिखाने के लिए गरीबों की आवाज़ एवं दलितों वंचित की आवाज़। आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी स्वस्थ होकर भारत की धरती पर लौटने पर देश की 125 करोड़ जनता को उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और मैं उनको करीब 4-5 दिन के बाद मैं दिल्ली जा रहा हूँ, लालू जी से मैं मिलूँगा। चलिए, तो लालू प्रसाद यादव आज 9 बजे रात को दिल्ली आ जाएंगे सिंगापुर से। देखते हैं कि यहाँ से मिलने के लिए कौन कौन जाता है। हालांकि डॉक्टरों के द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि उनसे भीड़ भाड़ में ना कोई मिले, एकाएक ही मिले और मास्क के साथ। क्या प्रतिक्रिया रखते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।